हमारा जीना हराम कर रखा है, उसने हमारी बेइज्जती कर दी है। तो बतेरा कहा जी मैं धमका दूंगी, मैं पीटूंगी, उसने बालक से गलती कर दी होगी, नहीं आज उसने आखिर कर दी है। कहा अंदर घुस गए और झोंपड़ी की खाट खूट उटक पटक कर सारे कपड़े ठाठा देखे, और ब्राह्मण खड़ा बाहर गेट से भी बाहर खड़ा, क्योंकि उसके कदे कपड़े लाग छू जा। अब उसने देखा कि ये तंग करेंगे मेरी मां और पिताजी ने, कुटे छेतेंगे अकबता की से। वो खड़े हो गए परमात्मा बाहर निकल कर उन रजाई तें बाहर कपड़ियां तर खड़े होकर ने बोले, ए विवेकानंद जी मैं झोपड़ी के पीछे खड़ा हूँ। अब उसने कहा रहा पाछे जाओ ढूंढ के लाओ, पीछे जाओ, पकड़ लिया परमात्मा को और लेकर चल पड़े। अब माँ उस बालक के चपटगी लपटगी नो कसूती तरह और उसको छोड़ नहीं रही, उनके हाथों को पकड़ लिया तो उसका लठ मार मार के मुक्के मार मार के उसके हाथों को छुड़वा दिया बच्चे से, और इतनी पीट दी कि वो बेहोश होगी। जब नीरू को पता चला वो भी भाग्य आया, वो भी अपने बच्चे को बचाने के लिए चेष्टा करने लगा, उसका भी सिर फोड़ दिया। अपुनात्माओं कलयुग के ब्राह्मण राक्षस के तुल्य बताए हैं, दास नहीं कह रहा इतिहास कह रहा है, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना चंगर जाएंगे ब्राह्मण। ये है श्रीमद देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल इसके संपादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 414 पृष्ठ पे धर्म जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से, जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। पुण्यात्माओं फिर यहाँ बताया है कि सतयुग के त्रेता द्वापर में जो ब्राह्मण थे, जो राक्षस होते थे, वो कलियुग के ब्राह्मणा के सेवा करते। धर्म की ये सती थी त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन इन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलियुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। जो ऊपर के तीनों युगों में जो राक्षस थे वो आजकल के ब्राह्मण ही से, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म क्रम से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं इन सदग्रंथों को सामने रूबरू करना अति आवश्यक हो गया। जय दास ये लालटेन ना दिखावे तो मेरे गेली इब्ने ना जाने कितने टकरा लो। मेरे लिए तो ये सदग्रंथ ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन, क्योंकि मुझे इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी। बात ये नहीं है कि ये सदग्रंथ ठीक को ना, लेकिन हमें जो ज्ञान मिल गया था वो कहते हैं परमेश्वर, ओ ऐसा निर्मल नाम है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर। चकवे माने चक्रवर्ती, हमने वो चक्रवर्ती ज्ञान ऑल इन वन वो ज्ञान प्राप्त था, इसलिए हमने इन वेदों गीता और पुराणों की आवश्यकता नहीं थी। जो वेदों और पुराणों गीता में ज्ञान है वो भी उस चक्रवर्ती ज्ञान में कबीर जी के ज्ञान में है, और जो वेदों में ये कहा है गीता जी में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में सही जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछ, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा हुआ है कबीर वाणी में, वो कबीर वाणी हमारे पास है।
इसलिए इस दास को आवश्यकता नहीं थी इनकी, लेकिन आप जी को आवश्यकता थी। आप जी इनको प्रमाणित मानते हैं कि इनमें जो लिखा वो सही है, तो आप जी के लिए यह लालटेन दिखानी थी। अगर ये दास मौखिक ऐसा बोलता चला जाओ तो कोई ना सुने मेरी बात ने, और मुझे मूर्ख कहें और जो है विरोध घना बढ़ जाए, तो यह लालटेन दिखा देता ये दास। एक अंधा रात्रि के समय लालटेन जगाकर हाथ में लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए, और अंधे ने आवाज लगाई, बच्चों देखना बच्चों मैं अंधा हूं बेटा, ध्यान से चलना मैं अंधा हूं। बच्चा ने देखा कि बूढ़ा अंधा कहर लालटेन ले रहा, उसके चारों तरफ खड़े हो गए, बाबा आप सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं। फिर ये लालटेन किस लिए लिए फिरे हो जला करके, कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे बूढ़े आदमी को टक्कर मार दो तोड़ दो दे ही ने। ये तुम्हारे लिए ले रखी है कि इसमें इसकी रोशनी में तुम मुझसे दूर होकर निकल जाओ? तो पुण्यात्माओं यह लालटेन दिखा दी मेरे तक संघर्ष करने की, फिर किसी ने दूर उतना पड़ा टल जाएगा दूर करके, तो सारी ये सच्ची है। तो इस प्रकार उन ब्राह्मणों ने उन नालाकों ने परमात्मा को जबरदस्ती घसीट कर ले गए, रामानंद जी के कुटिया के सामने खड़ा कर दिया, और रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के आगे एक पर्दा ला लिया कि मैं इसका शक्ल भी नहीं देखूंगा उस लड़के की, जुलाहे के बालक की, और पर्दे के पीछे से उसे प्रश्न पूछकर सबके सामने ये सिद्ध कर दूंगा कि मैंने इसको नाम नहीं दिया। अंदर से प्रश्न किया कि तू कौन है, क्या तेरी जात है, तू किस परमात्मा की भक्ति करता है, तेरा कौन पंथ है। अब यहां थोड़ी सी उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से आप जी को आत्मा और परमात्मा का संवाद सुनाते हैं। आड़ा पड़दा लाए कर रामानंद बूझंते, दास गरीब कुरंग छवि वो अधर डाक कूदंते। जो कर मर्ग कूजा करे ना, मर्ग खड़ा जंप करा करे, कहते हैं पड़दा ला के और अंदर ने ऊपर ने पाँ पिट कर खड़ा हो, कहता बता तू तेरी के जात है, तूने मैंने तेरे को कब नाम दिया, क्या प्रमाण है तेरे पास, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं में। अपने आत्माओं, एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका परमात्मा कैसे कर रहे हैं। एक जीव को तो गुरु बना रहे हैं, क्योंकि वो तो एक लीला करनी थी, अति आवश्यक थी हमारे लिए, और बिल्कुल अधीन होकर जैसे गुरु जी के सामने शिष्य की भूमिका होनी चाहिए। क्या बताते हैं, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। अब गरीबदास जी कह रहे हैं, उन्होंने जब ये प्रश्न किया कि कौन तुम्हारी जात है, के तेरा नाम है, और कौन से पंथ, किस भगवान के पंथ यानी मार्ग को तू प्रशस्त कर रहा है, या कहाँ से उपदेश लिया है, तो गरीबदास जी कहते हैं वो परमात्मा इतनी आधीनी से बोले वो परमात्मा। गरीबदास जी कह रहे हैं मैं उन पर बलिहारी जाऊँ एक परमात्मा होकर के, और इतने ऐसे अधीन होकर के अपने गुरु जी के सामने कैसे लीला कर रहे हैं। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। बलि जाऊं मन बलिहारी जाऊं, क्या बोले परमात्मा, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखित पढ़े मेरा नाम निरंजन कंथे। ने बोले जी मेरी जात जगत गुरु है, जैसे नो गरीब से खड़े हो गए नो कर, और परमेश्वर मेरा पंथ है, और मेरा नाम पूछते हो ना, मैं
क्योंकि वो ज्योति निरंजन को भगवान मानते हैं, इस काल को, ब्रह्म को, और उसको निराकार मानते हैं, उसी का अवतार विष्णु मानते हैं। इनका खिचड़ी सा ज्ञान था। कबीर जी कहते हैं मैं परमात्मा हूँ। अब इस बात की काली मान गए रामानंद जी। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सृजन हारे। अब गरीब दास जी लिख रहे हैं जैसे श्री रामचंद्र जी की लीला तुलसी साहब ने लिखी थी, तुलसीदास जी ने। ऐसे ही परमात्मा से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को अपनी कलम से, अपने मुखारविंद से परमात्मा से प्राप्त को लिखवाया। अब कैसे कहते हैं रामानंद जी ने बोले, अरे दुर्बुद्धि तेरा शरीर दिखे, तू उस आकार में बैठा, वो तो निराकार भगवान है, तू अपने आप को निरंजन, तू परमात्मा कैसे कह रहा है, निरंजन कैसे कह रहा है। और ने बोला दुख मान्या, दास गरीब दर्द लगा वो बोले सृजनहार, भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया ना, तो रामानंद जी भी दुखी हो गए, उसको दर्द हुआ इस बात का। ने अपने आप को भगवान कह दिया ना, तो रामानंद जी भी दुखी हो गए, उसको दर्द हुआ इस बात का। और कितने उलाना दे दिया, तुम मो मन के पालुआ, तेरा जुल्हाए के घर वासे, दास गरीब अज्ञान गति, तेरा इतना दृढ़ विश्वास। कहता है कि तू एक मुसलमान के, मोमिन मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाला, और एक धानक दुल्हाए सूद्र के घर तेरा निवास है, तेरा जन्म है, वास है, और तू अज्ञानी अपने आप को भगवान बताता है। फिर क्या कहते रामानंद जी, कहते तू ढंग से बात कर, मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गठफैन। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आज आधीन। परमात्मा कहते हैं स्वामी जी मैं मान बड़ाई यानी अभिमान नहीं कर रहा, मैं तो आपका दास हूँ और आधीन हूँ, बिल्कुल आपका बच्चा हूँ, आपका दास हूँ, पर मैं जो कह रहा हूँ ना वह कति सच्ची बता रहा हूँ, सब सत्य है। क्या बताते हैं, जात पात मेरे नहीं बस्ती है बिन थाम, बिना नीम के गांव है, कहते वहां सतलोक में। जात पात मेरे नहीं बस्ती है बिन थाम, गरीब दास अनंगति तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसे मटेरियल का नहीं है, तुम्हारे जैसे चाम रहित है, यह नूर का है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसू ऊपर रहता हूँ, अवगत सत्य कबीर। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर ले सतलोक में रहता है, वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और परमात्मा भी खुद कह रहे हैं कि मैं अधर बसू ऊपर रहता हूँ सतलोक में। अब क्या बताते हैं कि ए स्वामी जी पूरी सृष्टि का रचनहार सृष्टा मैं हूँ, और ये सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, मैंने ही इसकी रचना करके अपनी शक्ति से इसको रोक रखा है, और मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में अधर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू मैं अवगत सत्य कबीर। अवगत माने वो प्रोक्स, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में आपने पढ़ा कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है, अवगत है, जिसके विषय में कोई नहीं जानता, उस जिसकी गति से कोई परिचित नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं वो अवगत मैं ही हूँ, मैं सत कबीर ही वो अवगत हूँ, वो प्रोक्ष हूँ। सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंगे, दास गरीब सर्वकला मैं ही व्यापक सर्वंगे। कि मैं ही सर्वंग हूँ, सर्वंग माने सर्वव्यापक,
वासुदेव सबके ऊपर मेरा आधिपत्य है, वो परमात्मा मैं हूँ।